स्वागत है आपका, मैं हूँ आरती और स्वागत है आपका बिग बॉस के अड्डा में। मेरे साथ है प्रशांत और पूजा और आज हम बात करेंगे वीकेंड के वार की, जिसमें सलमान खान ने लगा दी सबकी वार। क्यों सलमान, क्यों प्रशांत, क्या कहना है? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी घर वालों ने इतना ड्रामा किया है जिसको लेकर सलमान ने फिर से, जैसे सिद्धार्थ देव ने जो आरती पे पर्सनल कमेंट किया था उसे लेकर सिद्धार्थ शुक्ला ने, घर में काफी बवाल हुआ उस चीज को लेकर। सलमान ने सिद्धार्थ देव की काफी फटकार लगाई, वहीं पारस भी कटखरे में है, उनको भी सुनाया, थोड़ा बहुत सिद्धार्थ शुक्ला पे भी उन्होंने टॉन्ट मारा, तो ये काफी कुछ देखने को मिला कल के एपिसोड में। पूजा तुमने भी देखा होगा कल का एपिसोड, कैसा लगा तुमको? लग रहा था कि सलमान इस बार वाट लगाएंगे? लग तो रहा था, पर हर बार की तरह मैं कहूंगी, मुझे ऐसे लगता है कहीं ना कहीं सलमान पार्शियल हो जाते हैं। मुझे लगता है जिनको करना चाहिए, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला को मेरे को लगता है अच्छे से उनको फटकार लगानी चाहिए। सिद्धार्थ का साफ दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं जब भी किसी का कोई भी मुद्दा होता है अपने आप को दिखाने के लिए आ जाते हैं। और मतलब जैसे सिद्धार्थ दे ने बहुत बुरा बोला था, पर उनको जिस तरीके से वो बीच में आए, वो चीज़ मुझे ऐसा लगा कि सलमान को सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर भी थोड़ा बरसना चाहिए, जो वो इस बार बरसे नहीं है। और थोड़ा बहुत उन्होंने सिद्धार्थ डे को बोला था, कहीं ना पार्शल रहते हैं, तो मुझे वो लगा कि इस बार भी मुझे अब मज़ा तो वैसे भी नहीं आ रहा है। तो मगर ठीक है, सिद्धार्थ वाट तो एक एक करके लगी, मगर कहीं एक बात ये भी बोली थी सलमान ने कि इस बार जो लड़के हैं वो अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, बोलने का तरीका वो लोग कुछ भी बोलते रहे, बोलने से पहले सोचते नहीं है, उन लोगों की लैंग्वेज प्रॉब्लम है मुझे कहीं ना कहीं लगता है। एग्जैक्टली, सिद्धार्थ शुक्ला कई बार अपने कुछ बयान ऐसे रहे हैं जिनकी वजह से वो कंट्रोवर्सी में हो जाते हैं, लेकिन कल का जो इंसिडेंट था जो सिद्धार्थ डे ने आरती के लिए कहा, आपको क्या लगता है कि क्या सिद्धार्थ शुक्ला को उसका बचाव नहीं करना चाहिए था? डेफिनेटली बचाव करना चाहिए था सिद्धार्थ, तो बल्कि उल्टा भड़क ही गए थे जब उन्होंने आरती को बोला था, लेकिन वो चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा लग नहीं रही थी जिस हिसाब से वो चीज़ करी। गेम शो है, थोड़ी बहुत मजाक मस्ती चलती रहती है। इवन सलमान खान ने भी कल भली डांट लगाई सिद्धार्थ डे को, लेकिन उन्होंने बोला भी कि ये मजाक ही था, पर उनको बोला था कि तुम अपने शब्दों को और अपने कमेंट्स को लेकर के इतना ज़्यादा मत बोला करो, पर उन्होंने इस तरीके से नहीं किया। और सिद्धार्थ मुझे लगा बहुत ज़्यादा ही ओवर इस पर हो गए थे शुक्ला। मैं ऐसे बोलना चाहूँगी इस पर कि सिद्धार्थ डे ने जो बोला वो गलत था और उनको नहीं ऐसा बोलना चाहिए था, पर जब सिद्धार्थ शुक्ला उस चीज़ पे आके स्टैंड लेते ना, तो मुझे लगता है कि पहले तुम अपने आप को सुधारो, फिर जाके तुम किसी को बोलो। तो जना तो तुम सुधरे हुए हो तो तुम दूसरे को कैसे ज्ञान बांट सकते हो या तुम उसके ऊपर कैसे आ सकते हो। तो इसलिए उनका बोलना भी मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला भी अपने वर्ड्स में बहुत खराब बोलते हैं कई बार। मेरे को लगता है रश्मि को जानबूझ के, रश्मि का जब भी टॉपिक आता है, रश्मि का कुछ भी होता है, तो वो सामने आके खड़े हो जाते हैं और उसको उल्टा ही बोलते हैं, तो वो चीज़ खराब है। तो मुझे मैं भी बोलना चाहूंगा जैसे अभी पूजा ने बोला कि सिद्धार्थ को खुद को अपने आप को सही करना चाहिए। सिद्धार्थ ने जब वो आरती को लेकर के उससे बहस कर रहे थे सिद्धार्थ डे से, तो उन्होंने ये भी बोला कि उन्हीं जो लड़कियों को छूना पसंद है ना, उनको छुआ करो। लेकिन इसको लेके कई उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया कि मैंने, मेरा कहने का मतलब था कि जो आपको पसंद, जो इस हरकत को पसंद करें आप उनके पास। बाण जो तीर होता है ना, वो जब छूट जाता है ना, उसको रोका नहीं जा सकता, पीछे तो लाया नहीं जा सकता। अब बात उन्होंने बात तो कही ना, अब वो उस चीज को किसी भी तरीके से फ्रेम कर सकते हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, बाकी सब लड़कियों को ये चीज बुरी लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि बिग बॉस के घर में अक्सर जब भी, क्योंकि आप किसी गलत का स्टैंड नहीं लेंगे या सही का स्टैंड नहीं लेंगे और गलत की बात को गलत नहीं कहेंगे, तो बिग बॉस का घर क्या हुआ, कैसे आपका कैरेक्टर सामने आया। तो मुझे लगता है कि जैसे सिद्धार्थ शुक्ला ने अपनी बात कही उस वक्त पूरे घर को वो बात कहनी चाहिए थी, जिसमें जबकि इसमें भी ग्रुपिज्म देखने को मिला ऐसा। मगर मैं इसमें भी सिद्धार्थ शुक्ला ने बोला, मैं कहता हूँ, मगर वो अपने ही ग्रुप की जो लड़कियाँ हैं उनके लिए स्टैंड लेते हैं। अगर तुम लड़कियों के लिए इतना बहुत तुम्हें अच्छा लगता है कि नहीं मुझे स्टैंड लेना चाहिए, तो मुझे लगता है कि बिग बॉस में जितनी भी लड़कियाँ हैं उनके हर मामले में तुम्हें स्टैंड लेना चाहिए। तुम बस ले रहे हो अपनी ग्रुप के, मेरे ख्याल से तो ग्रुप भी क्या, सिर्फ आरती के लिए वो स्टैंड लेते हैं, आरती के लिए आगे आके वो खड़े हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये आरती के लिए डाउनफॉल है मेरे हिसाब से। क्योंकि आरती एक खुद में एक स्ट्रांग है, जब वो आई थी तो उनका एक बोलने का तरीका, बोलने जिस हिसाब से कृष्णा अभिषेक उनको इंट्रोड्यूस करके गए थे, उनका एक हेड जो था वो स्ट्रांग था, काफी बरसती हुई दिखी थी। मगर वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। जैसे मेरे को अभी आज के डेट पे बिग बॉस के घर पे जो सबसे फ्रस्ट्रेटेड बंदे लगते हैं वो एक आरती और सिद्धार्थ शुक्ला, क्योंकि जब वो बोलते हैं वो इतना हाइपर हो जाते हैं कि उनको ऐसे लगता है कि अब यार चुप हो जाओ बस इतना। मतलब इनके मैं जब टीवी देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार कितना चिल्ला रहे हो, बस ठीक है, इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आरती और ये दोनों बहुत ओवर रिएक्ट। और अब तो क्योंकि बिग बॉस फिनाले वीक में जाने वाला है, अभी जो कि इनका सरप्राइज पैकेज था, तो प्रशांत कैसा लग रहा अभी तक कि 3 हफ्ते हो चुके हैं बिग बॉस को, तो कैसा लग रहा है आपको ओवरऑल, कैसा शो लग रहा? देखिए जब शो की शुरुआत हुई थी तो थोड़ा मतलब
उस हिसाब से मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा नहीं है, जैसे कि सीजन 11 था, 12 तो बिल्कुल ही बेकार था, 13 में हाँ काफी चीजें दिख रही हैं लेकिन लोग अब इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं क्योंकि सीजन 12 ही इतना बोरिंग था, तो लोग सीजन 13 को लेकर के भी इतने ज्यादा नहीं दिख रहे हैं देखने वाले। तो हाँ थोड़ा थोड़ा शो है, पर 12 से ठीक है लेकिन 11 के साथ कंपेयर करें तो बेकार ही है। एग्जैक्टली और अब तो क्योंकि आपको बता दें कि इस हफ्ते 6 लोग नॉमिनेट थे जिसमें माहिरा, रश्मि और पारस और आसिम रियाज, इसके अलावा अबू मलिक और एक सिद्धार्थ, ये 6 लोग नॉमिनेट थे, इनमें से 3 लोग अभी सेव हो चुके हैं, 3 बचे हैं। क्या लग रहा है पूजा, कौन जाएगा इस बार? वो भी डबल एलिमिनेशन की बात है। हाँ अभी खबरें तो यही है, डबल एलिमिनेशन है, पर कहीं ना कहीं अभी ये भी न्यूज़ आ रही है कि शायद एक ही इस बार जाएंगे, वो एक सरप्राइज होगा उन लोगों के लिए। पर अभी जो जितने लोग नॉमिनेट है उसमें से ऑब्वियसली ये हर कोई जानता है अबू मलिक जी को जाना चाहिए क्योंकि वो कुछ ऐसा सच नहीं कर रहे हैं, अपना स्टैंड भी नहीं ले रहे, वो जिस ग्रुप में उन्हीं के बारे में ही अच्छा अच्छा बोलते हैं और उसके अलावा वो कुछ तो कर नहीं रहे। बाकी अगर सिद्धार्थ डे भी चाहते तो मैं नहीं चाहती वो जाए क्योंकि इस टाइम वो सिद्धार्थ डे भले ही वो नेगेटिव तरीके से हो पर वो मतलब वो हाईलाइट पे आ रहे हैं तो वो उनका और उनका तो मतलब उसका जाना बनता ही नहीं है, सिद्धार्थ डे का तो जाना बनता ही नहीं है। बाकी वैसे काफी आसिम सेफ हो गया, आई थिंक हाँ आसिम सेफ हो गया, तो उन दोनों में से अगर देखा मेरे हिसाब से तो अबू मलिक जी को जाना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है प्रशांत? जैसे कि अभी पूजा ने बताया कि अबू मलिक को डेफिनेटली जाना ही चाहिए क्योंकि उन्होंने अभी तक कुछ किया ही नहीं, उन्होंने 3 हफ्तों के अंदर बस एक दूसरे की वो साइड लेते रहते हैं अपने ग्रुप की। रह बात सिद्धार्थ डे की, अगर जैसे कि खबरें आ रही हैं कि एक एलिमिनेशन होगा और अगर 2 एलिमिनेशन होते हैं तो डेफिनेटली सिद्धार्थ डे ही दूसरा नाम हो सकता है क्योंकि पारस तो मुश्किल है उनका जाना। तो दोस्तों अब तो बिग बॉस में एक और नया ट्विस्ट आने वाला है, सुना जा रहा है कि इस वक्त अब जल्दी बिग बॉस के शो में कई वाइल्ड कार्ड्स की एंट्री होगी, तो क्या लग रहा है प्रशांत क्या होगा? जैसे कि 4-5 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं वाइल्ड कार्ड्स में, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज भी हैं, तो मैं सबसे पहले बात करूँ हिमांशी खुराना की जो कि पंजाब की काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं, काफ़ी सालों से काम कर रही हैं, वो शो में आ सकती है, उनका नाम सामने आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो अगर शो में आती हैं तो उनका सबसे ज़्यादा जो झगड़ा या कुछ देखने को मिलेगा तो वो शहनाज गिल होंगी क्योंकि उनका उनके साथ बाहर विवाद हो चुका है, लड़ाई हो चुकी है उन दोनों में। तो ये शो में मेकर्स जो हैं वो अच्छे से भुनाने की कोशिश करेंगे, देखना इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि जहाँ शहनाज लड़कों को अपने इशारों पर नचाती हैं, कभी सिद्धार्थ को कभी पारस को, तो क्या हिमांशी के आने से वो दोनों उनकी तरफ जाते हैं कि नहीं, क्योंकि माहिरा को लेकर के ऑलरेडी शहनाज इनसिक्योरिटी फील करती हैं पारस को लेकर, वहीं अगर हिमांशी आती है तो वो भी बेहद ही सुंदर हैं तो उनको देख करके भी कभी सब लोग हिमांशी की तरफ ना चले जाएं ये देखने को मिल सकता है। वहीं अपना पुराना विवाद लेके शो के अंदर दोबारा से ना बहस करने लग जाए तो ये हिमांशी को देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके अलावा खेसारी लाल यादव जो भोजपुरी के काफी बड़े सुपरस्टार हैं वो भी आ रहे हैं, जैसे कि आपने पहले के सीजन में भी देखा होगा कि बिग बॉस के शो में कितने सारे रवि किशन हैं, मनोज तिवारी हैं, मोनालिसा हैं, संभावना सेठ हैं, हाँ काफ़ी सारे स्टार्स आए, तो काफ़ी ने एंटरटेन भी किया, हालांकि कोई शो जीता नहीं लेकिन काफ़ी आगे तक गए। तो मुझे लगता है कि खेसारी लाल यादव आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा धमाल मचाएंगे क्योंकि मैं आपको बता दूं कुछ दिनों पहले खेसारी लाल यादव कपिल शर्मा के शो में आए थे तो उस शो को काफ़ी TRP मिली थी उस एपिसोड को कपिल को। हाँ मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई ना मित्रा की एक बार फिर से वापसी होने वाली है, तो क्या तुम एक बार बहुत परेशान दुखी भी हो गई थी जब वो गई थी, तो अब कैसा लग रहा है? अभी तो इस एक तो पहली बात अभी इस न्यूज़ में कंफर्मेशन नहीं है, पर जहाँ तक वैसे ही होता है ना जो न्यूज़ रूमर होता है वो होता भी वैसे ही है। तो कोयना मित्रा तो एक मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रांग थी, उनको जाना ही नहीं बनता, मुझे तो समझ नहीं आया कि उनको इतने कम वोट्स कैसे मिले क्योंकि उनका एक बोलने का तरीका, एक बिग बॉस के घर में तो लोग वही चलता है जो बहुत स्ट्रांग हो, जिनका बोलने का तरीका वैसा ही है, जो अपने बात में एक वो एक कंटेस्टेंट एक लौती मुझे ऐसे लगती थी कि जिनका फेक कनेक्शन नहीं था, जितना अपने आप से मतलब था, उनको हर मुद्दे पे जहाँ उनको लगता था कि वो लड़कियों के खिलाफ कोई कुछ बोल रहा है या किसी भी चीज़ में नेगेटिव उनको लगता था कि ये गलत बोल रहे, तो वो वहाँ खड़े होकर स्टैंड लेती थी, तो मुझे नहीं लगता था कि उनको इतनी जल्दी जाना चाहिए था। और अब वो जब वापस आ रही है तो मैं लिटरली हैप्पी हूँ उस चीज़ को लेकर। बाकी उसके अलावा TV एक्टर हुसैन आ रहे हैं जो TV से काफ़ी उनका पुराना नाता है और वो बहुत हैंडसम भी हैं, तो बहुत लड़कियाँ जो लड़कियाँ वैसे अभी देखा जाए तो बहुत लड़के ज़्यादा इतने एज ए सिद्धार्थ शुक्ला और असीम है और पारस है, 3 ही लड़के हैं जो एक बोल सकते हैं कि जिन लड़कियाँ जिनकी फ़ैन फॉलोइंग मतलब जिनके लिए फ़ैन होगी उनके लिए, उसके एक और जुड़ जाएगा नाम हुसैन का, जो वैसे बहुत अच्छे हैं लुक वाइज भी अच्छे हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको वो इस शो में इसलिए भी आ रहे हैं कि उन 2 साल से उनके पास मैंने नहीं देखा कि उन्हें किसी शो में आते हुए, वो रियलिटी शोज उन्होंने किया था वो एज अ गेस्ट गए हैं पर वो बहुत टाइम से काम नहीं कर रहे हैं, तो बिग बॉस से उनको शायद एक और एक लंबी पारी खेलने को मिलेगी, तो मेरे को लगता है अच्छा है उनका भी आना, भी फैन वेट कर रहे होंगे उनका भी।
तो दोस्तों अभी ये जो वाइल्ड कार्ड्स की एंट्री होने वाली है, आपका क्या कहना है इनको लेके? क्या वाकई में ये लोग बिग बॉस के शो में कुछ धमाल मचाएंगे या इसको और स्पीड देंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बिग बॉस से जुड़ी जानकारी के लिए बने रहिए हमेशा हमारे साथ।